हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को लेकर के बना रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में दो तरीकों से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, यानी आपका जो भी डेटा है उसको आप दो तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहां पर जब माई एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना है, फिर कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो ऐसा सिनेरियो आएगा, ठीक है। यहां पर मैंने पहले से बहुत सारे डेटाबेसेस बनाए हैं जो आपको यहां पे शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नया डेटाबेस बनाना है तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि यहां पर आप जाइए और यहां न्यू डेटाबेस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया डेटाबेस का पेज ओपन होगा। अब इसको आपको एक नाम देना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं स्कूल डेटाबेस, स्कूल डाटाबेस, ये लिख दिया स्कूल डाटाबेस। तो स्कूल डाटाबेस लिख करके एंटर कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये स्कूल डाटाबेस आपको यहां दिखेगा, यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे और आप क्वेरी बना सकते हैं। अगर आप क्वेरी नहीं बनाना चाहते तो यहां पे आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर टेबल नजर आएगी, तो आपको यहां पर जाकर के राइट क्लिक करके टेबल बना सकते हैं। सबसे आसान मेथड है ये, ठीक है। यहां पे गए, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर आपको कॉलम का नेम देना है। अब जैसे कॉलम का नेम आप क्या दे सकते हैं, अगर आप स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो यहां पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है। तो ये लिखा रजिस्ट्रेशन और देन यहां पे अंडरस्कोर लगा के लिख दीजिएगा नंबर, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा टाइप क्या होगा वो यहां पे आपको मेंशन करना है। यहां पर आपको एक्सेस से काफी अलग डेटा टाइप्स मिलते हैं, देखिए ये सारे एक्सेस से काफी अलग है। टीनी डेटा टाइप, एसक्यूएल वेरियंट, मनी डेटा टाइप, इंट तो वहां पर मिल जाता है आपको एसक्यूएल व्यू में। चलिए यहां पर इंट ही रख लेते हैं हम, इंट यानी इंटीजर। अलाउ नल वैल्यू, नल वैल्यू अलाउ करेगा ये तो टिक कर देंगे तो नल वैल्यू अलाउ करेगा, अदरवाइज नल वैल्यू ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। यानी खाली नहीं छोड़ सकते आप इसको। यहां पे आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। और यहां पे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, ठीक है। तो यहां पे एनकेयर 20 या साइज कुछ चेंज कर देते हैं, वहां वेयरकेयर था, यहां एनकेयर आपको दिख रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम आएंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स के भी रिकॉर्ड अगर आपको रखने हैं तो यहां पे रख सकते हैं। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, न्यूमेरिक आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंटीजर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट नहीं रख सकते आप, ठीक है। और यहां पर नीचे आएंगे तो आपको एक मनी डेटा टाइप मिलता है, मनी डेटा टाइप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लोट भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, फ्लोट। तो क्या यहाँ फ्लोट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप फ्लोट रखते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्लोट भी एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इंग्लिश, यानी दूसरा सब्जेक्ट, तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। और यहां से फिर इसको आप चाहे तो फ्लोट बना लीजिए या जो भी आप जिस भी टाइप का डेटा टाइप यहाँ लेना चाहते हो वो डेटा टाइप आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर आप इंटीजर यूज करना चाहते हैं तो INT लगा दीजिए, इंट आपको यहां पे दिख जाएगा और इंटीजर लगा दीजिए, ठीक है। अब तीसरा सब्जेक्ट यहां पे कर देते हैं मैथ्स, तो ये मैथ्स हो गया। और यहां पर भी आपको क्या करना है, लगाना है इंटीजर डेटा टाइप, तो यहां पे INT खाली लगा दीजिए, इंटीजर हो गया, ठीक है। नल वैल्यू हम कहीं पर भी अलाउ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं खाली तो आप छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिलहाल हम नल वैल्यू अलाउ नहीं कर रहे हैं, और सबसे आसान मेथड से आपको बता रहा हूं। इसके बाद एक और मेथड होगा जिसमें आप एसक्यूएल में क्वेरी बनाएंगे, माई एसक्यूएल में जो आपका एसक्यूएल सर्वर है वहां पर आप क्वेरी बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया। अब मान लीजिए एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है SST, तो यहाँ SST लिखा हमने, और यहां पर भी इंट या फ्लोट जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे केस में हम रखना चाहते हैं इसमें इंट, तो फ्लोट हमने सिर्फ एक ही जगह रखा है, बाकी सब जगह क्या रखा, इंट रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये होने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर इसको सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए कहां जाएंगे, ये सेव टेबल दिया हुआ है, इस पर चले जाइए और ये यहां से ओके कर लीजिएगा, चाहे जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो। तो यहां पे स्कूल टी यानी स्कूल टेबल के नाम से इसको सेव कर देता हूं, तो ये सेव हो गया। अब जब सेव हो जाएगा तो ये दिखेगा कैसे, तो डबल क्लिक जब इस पर करेंगे ना तो यहां पर आपको ये टेबल नजर आएगी। तो ये देखिए, यहां पे एडिट टॉप 200 रोज पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, तो यहां पर आपको ये टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। अब ये टेबल को आप आसानी से देख सकते हैं और आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर की एंट्री पास करते वक्त ध्यान दीजिएगा, इसको डिजाइन व्यू पे वापस लेता हूं, डिजाइन व्यू पे आ गए।
यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, देखिए मैंने बताया डेटाबेस में हमेशा की का कांसेप्ट होता है, तो यहां पर कोई की हमने नहीं बनाई, तो राइट क्लिक करिए और यहां पे सेट प्राइमरी की आ जाता है, बस इसको प्राइमरी की बना दीजिए, तो देखेंगे कि ये प्राइमरी की बन जाएगी। अब जबकि ये प्राइमरी की बन चुकी है तो क्या फायदा क्या है, फायदा ये है कि यहां पर, अब देखिए मैं इसको क्या करता हूं, यहां से क्लोज करता हूं, यहां पर फायदा ये है कि ये देखिए यहां पे वन हो गया और यहां पर नाम आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं राम ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे देखिए ये नल यहां पे दिया गया है, यहां पे 50 मार्क्स आ गया, यहां पे 77 आ गया, यहां पे 77 आया, यहां पे 56 आया, तो ये देखिए अब ये जो रेड कलर में आ रहा था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब यहां पर आप 1 एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो इसे प्राइमरी की बना दिया। सेम कॉन्सेप्ट हर एक डेटा, चाहे आप ओरेकल पढ़ लीजिए, चाहे MySQL पढ़ लीजिए, चाहे SQL सर्वर पढ़ लीजिए, कोई भी डेटाबेस पढ़िएगा तो की का कॉन्सेप्ट उसमें आएगा, और कोई भी स्प्रेडशीट पढ़िएगा उसमें की का कॉन्सेप्ट कतई नहीं आ सकता है, याद रखिएगा। यहां पे दूसरा नाम श्याम लिख देते हैं। अब देखिएगा मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये एंट्री पूरी होगी तो आप देखिएगा यहां पर ये प्रॉब्लम आएगी, नो रो वॉज अपडेटेड। अब यहां पे लिखा क्या हुआ है, द डाटा इन रो 2 वॉज नॉट कमिटेड, एरर सोर्स और इस तरह की चीजें। अब देखिए ये कह रहा है कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, तो प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर अगर किसी बच्चे का नाम वापिस से राम हो जाए, भाई प्राइमरी की तो रजिस्ट्रेशन नंबर को बनाया तो ये तो डुप्लीकेट नहीं होगा, लेकिन किसी बच्चे का नाम फिर से राम हो जाए, तो यहां पर राम लिख दिया नाम, और यहां पर मार्क्स जो भी हैं इनके आएंगे तो वो सारे मार्क्स आ गए। तो अभी देखिए ये जो है ना, ये एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर भी एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो है ना ये एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है, तभी आपको इसमें दिक्कत हो रही है, यहां पे आप वैल्यूज एंटर नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।